सिला अड़ा देते उस गुफा में तो बड़ा मजबूर हो जाते हैं वे बच्चे। जिसको वो सिला को क्या लिखा गया, उसको गिद्धे को रखवाली करने पर रखा। इसी तरह इधर रायतार जंगों ने चतुराई की चाल चली, कली कंकाली से रास्ते पर भेंट हुई। इधर जा गुस्सा में कली कंकाली उस 33 गोट बच्चों को ढूंढ रही है, और उसको फिर जब रायतार उसको ढूंढने निकली तो वहां पर कली कंकाली से भेंट हो जाती है। कली कंकाली और रायतार जंगों मिल जाती है। जब मिल जाती है तब रायतार जंगों ने कली कंकाली को महाराजा शंभू शेख का द्वार 33 कोट बच्चों को गुफा में बंद करने की खबर मिली। किसे? रायतार जंगों कली कंकाली को। उधर माई ग्वारा की बड़ी चिंता हुई, फिर फंस गए ना, कोई के अकेले छोड़ के आए तो कोई परेशान है। अब फिर चिंता बढ़ गई, उतने अकेली पड़ गई हमारी गोरा, उनकी चिंता बन जाती है। हे आदि शक्ति सतधारी, 33 कोट बच्चों के अन्यता अज्ञानता के कारण, क्योंकि जब वे बच्चे थे अज्ञान था, किसी को भी बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति या महिला को देख लिया तो समझ लेना मां समझकर अपने अपने को लिपट जाते थे। जब लिपट जाते थे तब गौरा को अत्यंत परेशान किए थे। तभी गौरा की परेशानी को देखकर महाराज शंभू शेख को क्रोध आकर, वो काम किया था मेरे साथियों, तभी तो गुफा में उन्होंने बंद किया था। इसी प्रकार आपको संगीत गुरु यहाँ पर पहुंचेंगे। इसी प्रकार में जब वहीं से माँ कली कंकाली बड़ा एक बिखराल रूप रख लेती है, क्या रख लेती है, क्या रख लेती, हाथ उठा के बताइए, जोर से बोलिए, बिखराल रूप। यानि क्रोध में जब किसी किसी की जब पत्नी जब गुस्सा में होती है तो बिल्कुल थर्रा के आंखें निकाल के देखती है, तो उसे हम बिखराल कहते हैं। इसी पश्चात हमारे बीच में जो बिखराल रूप का वचन आप दोहावली के माध्यम से सुनेंगे। सुने बचन काली भयानो अंगारा, देख के रोपे भागे राय तारा।
किरदार। सुनी बचन कली भाया हूं अंगारा, देख के रूप भाई राय तारा। कली कंकाली ने अति बिखराल रूप धारण किया और हाथ में थप्पर लेकर खड़ी हो गई और सारा बदन गुस्से के भरा हुआ था। कली कंकाली का बिखराल रूप देखकर रायतार जंगो डरने लगी। बताइए जिनको साथ में रहा, जिसने उसको कली को राखी, अब वो ही डरने लगी उससे। वो क्यों डरने लगी? क्योंकि उसका बिखराल रूप देखकर। उधर माई गौरा के पास गई और जंगों ने जाकर सभी हाल चाल गौरा को बताया और उससे सुनकर गौरा की बड़ी चिंतित हुई। हृदय में विचार करने लगी। तब माई गौरा ने स्वयं शक्ति के प्रकोप से एक भारी भयानक शेर बनाकर कली कंकाली को रोकने के लिए एक शेर को तत्काल भेजा और शेर कली कंकाली को रोकने के लिए चारों ओर दहाड़ने लगता है। दहाड़ के लिए जोरदार, जब शेर दहाड़ता है, दहाड़ने लगा शेर ने कली कंकाली को रोकने का एक भरसक भरोसा मतलब बहुत प्रयास किया, किंतु आदि शक्ति माँ भगवती कली कंकाली ने गरजते हुए शंभू शेर को देखा और आदि शक्ति माँ भवानी कली कंकाली शेर को अपने बस में कर उसे दिन उतरने शेर सवारी पर उस कली कंकाली पर बड़ा क्रोध आकर आदि शक्ति माँ भवानी कली कंकाली गरजते हुए शंभू शेर को देखा तो कली कंकाल ने कहा कि हृदय क्रोध से भरा है। अति क्रोधित हो सक कली और कली कंकाली शेर को शंभू के सचमुच टक्कर मारी, जिससे शेर ने शंभू को हृदय पर अपना पंजा रख दिया। आपने ये फोटो देखा होगा, जब कली कंकाली गौरा माता उसे कली कंकाली को रोकने के लिए शेर पहुंचाया था, उसने कहा था कि शेर इस कली कंकाली का बिखराल रूप है, तो कहीं शेर इसको आव करने लगे तो ये रुक जाएगी। पर इसकी बात भी वो नहीं मानी, गुस्सा क्रोध में उसी शेर के ऊपर सवार हो जाती है कली कंकाली। जब सवार हो जाती है, सवार होने के बाद वही शेर को अपने बस में कर और चली जाती है। वहां शंभू गौरा को देखकर, जब शंभू को देखकर कली कंकाली को बड़ा क्रोधित होता है और जब क्रोध जब होता है और वहां अचानक जो शंभू बाबा मिल जाते हैं, वहां फिर ये जो हथियार होता है वो हथियार शंभू शेख को ऐसे मारने की लालसा में देखती है और देखती है तो वहां वो जानती थी का हो सकता है कोई व्यक्ति है। गुस्सा तो भरा था बदन में, पहचान नहीं पाई। जब ऐसे मारने के चक्कर में जब देखी तो देखा तो उसको ख्याल आ गया, अरे बाप रे तो शंभू शेख है, तो ऐसे जीव निकालते ही रह गई, मार भी नहीं पाई। शेर का पंजा भर लग पाया उनको। इस प्रकार से मेरे साथियों, उनके हृदय में अति पुलकित हो गया और हर्ष की सीमा रही। इसी पश्चात में मेरे साथियों 33 कोट देवताओं की मुक्ति गाथा आपके बीच में, ये कैद क्यों कैसा क्या क्या हुआ, हे आदि शक्ति बड़ा देव, मैं तुम्हें अपने हृदय से आत्मा से स्मरण करता हूँ। मेरे हृदय में सतपुरुषि ज्ञान भाव भक्ति शक्ति से आपका पाने के लिए सल्ला गांगरा बूढ़ा देव पालो नेत्र एवं प्रतिदिन आपके शरण में आपका गुणगान किया करते थे, किया करूंगा। इसी पश्चात में जब कली कंकाली चिड़चाप
कमे कान जंगल, कौन सा जंगल? कमे कान जंगल देखे और अति हर्षित हुई। एक समेरी मुंडा के नीचे लिंगो बैठा था, कौन बैठा था? एक लिंगो बैठा था, कली कंकाली। कली लिंगो के से कहने लगी कि हे पुलिसेउ हिरवा, पुत्र मेरे 33 पुत्र अज्ञानी हैं। जब गुफा में थे, अब कैसे निकलेंगे वो बात आगे भी दिखाया जाएगा। वहां पुलिसेउ राजा और हिरवा माता, वे कौन मिले? पूर्वाकोट के राजा पुलिसेउ और हिरवा मिलते हैं। और पुलिसेउ हिरवा जब वहां पर मिलते हैं, वो कहने लगे कि हे पुलिसेउ हिरवा, मेरे पुत्र 33 हैं, पुत्र को अज्ञान अनपढ़ हैं, उन्हें शिक्षा दीक्षा सत ज्ञान सत मार्ग देने का कष्ट करेंगे क्या? इस प्रकार से कहने लगी। उन्हें बंद गुफा से मुक्ति कर सकते हो क्या? इस प्रकार के उनको वचन दिया और कहा शंभु गौरा ने, लिंगो बाबा देव ज्ञान द्वारा सब मर्म भेद जान भाए गए और कली से कहने लगे कि हे आदि शक्ति सतधारी सतव्रतधारी देवी, अपने हृदय में धीरज धरना, मैं तुम्हारे 33 करोड़ बच्चों को गुफा से जरूर मुक्ति दिलाऊंगा, जरूर मुक्ति दिलाऊंगा, जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। इसी प्रकार से जब उन्हें शिक्षा दीक्षा दूंगा, कुपार लिंगो का ज्ञान हृदय से भरा हुआ था और वे वहां से निकल पड़े और कहे शंभु गौरा पहाड़ी पारी कुपार को जाते देखा, तब रायतार जंगो को उनके सहयोग हेतु भेजा। रायतार जंगो अत्यंत हर्ष के साथ चली गई और रास्ते पर कुपार से भेंट हुई। किससे? कुपार किनका किसका बेटा है? वही पुलिसेउ राजा और हिरवा माता का बेटा कुपार बाबा मिल जाता है। जब कुपार बाबा किसका बेटा है? हिरवा माता का, और उसका पिता पुलिसेउ राजा। और कहां के रहने वाले हैं जे? पूर्वाकोट के। और कौन से वर्ष के हैं जे? पुरार वंश के हैं। जब वे मिल जाते हैं और भाइयों उनके सहयोग से भेजा, जब रायतार जंगो अत्यंत हर्ष के साथ चली गई और रास्ते पर कुपार से भेंट हुआ, दोनों के हर्ष के साथ मार्ग पर चलने लगे, चल पड़े और लिंगो जंगो दोनों कोयली कछारगढ़ गए जहां गिद्ध रखवारी करता था। पहरे दे रहा था इन दोनों को, उस बंद गुफा का भेद जाना अति आवश्यक था। 33 कोट बच्चे किन गुफा में बंद हैं, यह जान लेना जरूरी। लिंगो जंगो उस समय गए जिन समय गिद्ध अपने बच्चों के लिए चारा लेने गए थे, उसके भी बच्चे थे गिद्ध के, वो चारा लेने के लिए गया था वो भी। तब लिंगो जंगो अपने मन में विचार करने लगते हैं, तब समय गए जहां एक बरगद का पेड़ में एक गिद्ध बसेरा करता था। कहां करता था? हाथ उठा के बताएंगे गिद्ध कहां उसका स्थान था, गिद्ध का कहां निवास करता था? एक बरगद में काय में का बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहते हैं अच्छे से बताएं।
हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि शायद हो सकता है हमारी आवाज आप तक जाती है कि नहीं। जाती है तो हाथ उठाएं, नहीं जाती आवाज तो न उठाए। 1 2 3 4 8 अरे आगे आगे पाठ, पीछे से सपाट, और फिर कल गुरुजी ने पूछे तो 16 2 9 8। फिर क्या हुआ मेरी मातृशक्ति पितृशक्ति, जब लिंगो जंगो उस वृक्ष पर चढ़ने लगे, उनके पीछे पीछे भुजंग भी चढ़ गया। भुजंग समझते हैं, जब भुजंग यानी सर्प, तब लिंगो ने उस सर्प को देखा तो उन्होंने शक्ति आवाज की। जब शक्ति का आवाज की तो गिद्ध को कानों में सुनाई दी पड़ी। तब गिद्ध ने घोंसला की ओर दृष्टि से डाली। गिद्ध दृष्टि अपार होती है, गिद्ध इस पर नीचे उतर आते हैं। जैसे ही सर्प ने गिद्ध को नीचे आते देखा, वैसे ही धीरे से सांप भुजंग भी बिल में आकर घुस गया। फिर इसके बाद में गिद्ध अपने बच्चों के पीछे पूछने लगा कि घोंसले से बच्चे कहीं बताने तो नहीं लगे कि यहाँ कोई हो, क्या हो गया, क्या नहीं होगा इस वृक्ष को। इसी पश्चात मेरे साथियों, वृक्ष पर छिपे हुए दो, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़कर अंधा कर दूंगा। किनसे कहने लगा, बे ही रायतार जंगो गए थे वहां। तुम बताइए, मेरे बच्चों से कुछ तो नहीं पूछे भेदभाव? ये तो भगवान की लीला है। जैसे ही सांप का खबर मिली, वैसे ही सांप अगर वहां देखा तो वहां गिद्ध बैठा कि ये तो भाव भेद नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये मैन आदमी है गिद्ध। तो इसी प्रकार में वो चरित्र देखा जाता है नीचे। सांप जब देखा जाता है बरगद में चढ़ते हुए, तो बरगद नीचे आ जाता है, और सांप जब गिद्ध को नीचे देखता है तो सांप भी वापस आ जाता है। और यहाँ दोनों जल्दी से अपने रायतार और कुपार बाबा फटाक से जग जाते, और उन बच्चों से, गिद्ध के बच्चों से पूछ लेते पूरी खबर कि बताइए कौन सा गुफा में है 33 करोड़ बच्चा। उनको पता था, क्योंकि वे भी कुछ होशियार हो गए थे। इसी पश्चात में लिंगो गिद्ध से कहने लगे, और वही बात आई तो इसी प्रकार में ये आपके बीच में चौपाई के माध्यम से कहेंगे मेरे साथियों। इस बात को समझना, आगे और भी मिलेंगे। ये चौपाई में तो आधा दिमाग आ ही जाता है, इसलिए चौपाई भी आपको दोहा बली के माध्यम से सुनेंगे। देखा ही ऊंचा ऊंचा पर्वत हाँ भाए, अरे भारे भयानक खटर हाँ खाए।
देखें। अरे सोते उबराना ने तोरन डंग आए के कर कर भजन बजा सुन तई भजन पेट लीला पालन के नन का जबरा कपार लिंगो कपार लिंगो लिंगो जंगो साथ मिठाना कोया जन भी आई यार द्वार गोपा के आसन लगाए ठीक समय पहुंचे कंकालन माय लिंगो जांगो आते हर साई आते हर साई आते हर साई चाते से त्वारे हीरा चौका किंग्र बजाई सोने के सोते सब मार के सोहाई। सभी लोग ताली के साथ आवाज भयानक भारी बजे न जा जब सत मोर देवर जंगल कौन निहारी बल के रे कारण मोर छाए किन कारण छोड़े सोनाए जंगो अंगो दौड़न लागी द्वारे अरे द्वारे दबे हीरा चौक पटलीन अरे फूले द्वारे पाथर के निकल को पावत सोते आई काली देख मने में हर साई काली देख मने में हर साई। जोरदार ताली बजाएंगे। जब अति खुश हो जाती है क्योंकि तभी हीरा सुका वो लिंगो जंगो के साथ हीरा सुका पटारी लीन और जहां 33 कोट के बच्चे बंद थे वहां गुफा के मुख्य द्वार पर आसन लगाकर बैठे। क्या बैठे थे वहां पर? हीरा सुका किंगरी बजाने वाले हीरा सुका पटारी लीन बैठे थे। उसी समय मां कली कंकाली आ पहुंची। लिंगो जंगो कली कंकालनी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य भाग मुझे कली कंकाली का आज मुझे दर्शन हुआ। इसी प्रकार से मेरे साथियों हीरा सुका पटारी लीन के द्वार पर जब छत्तीस स्वर से किंगरी बजाकर प्रारंभ किया और उनकी आवाज गुफा में गूंज आई और किंगरी की आवाज 33 कोट बच्चों को जब सुनाई दी तो गुफा के अंदर इधर उधर मार्ग ढूंढने लगे। कौन? वही गुफा के अंदर जो 33 बच्चे कैद थे वही जब किंगरी बाहर दरवाजा के बाहर जब बजती है तो उस आवाज को सुनकर
33 बच्चे जब सुनने लगते हैं कि क्या आवाज आया इतना मधुर, जब कोई व्यक्ति 36 प्रकार का धुन जब निकालता है तो उधर 33 कोट के बच्चा इधर उधर जगह ढूंढने लगते हैं कि हम निकले तो कैसे निकले, हमें जगह ही नहीं मिल रहा है। तब गुफा के अंदर 33 कोट बच्चे उस शिला को, एक जो इतना बड़ा जो शिला था शंभू शेख ने लगाया था उस द्वार पर, एक ढकेला, एक स्वर में जब बजी किंगरी तो एक ढकेलता है, जब दूसरा स्वर में जब बजती है किंगरी तो दूसरा भी उस पत्थर में लग जाता है, तीसरा जब धुन जब हीरा सोका पाटा रिलीन जब आवाज निकालता है तो तीसरा भी इसी प्रकार में 33 बच्चे, जब 33 प्रकार की आवाज निकली तो 33 बच्चे जब उस पत्थर को हाथ से लगाने लगे और ढकेलने लगे, जब ढकेलने लगे जब ढकेल ढकेल कर जब उनका समूह एक बन जाता है, एक बनने के कारण वो एक पत्थर बाहर फेंक जाता है, गेट के बाहर जदर पटरलीन दूर हो जाता है। मेरे साथियों जब दरवाजा खुलने के बाद सब लोग हर्ष हो जाते हैं, गुफा के बाहर निकले आते हैं। इसी प्रकार से मेरे साथियों एक गीत की प्रस्तुति आपके बीच में सुनाना जा रहा हूं, दो शब्दों पर ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हेलो, हाँ, आज हमारे ग्राम बक्सरी की पावन धरा पर जो 14 तारीख से 20 फरवरी तक जो अपना गौंडी पुण्यम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जिला दमोह से कोने कोने से कुछ लोग आए हैं, अपने कोण समाज महासभा जिला अध्यक्ष वर्तमान में धीरज सिंह सरूता जी एवं